भाई कल्पना गुप्ता जी के यहाँ से एक चीज़ सीख के जाना तो बनता ही नहीं है। और ये भी बता दूँ कि आज इनके यहाँ पे एक न्यू मेंबर आया है इनके गार्डन में, उसके दर्शन तो अब हम आपको वीडियो के एंड में ही कराएंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। जुकीनी के सैलेड के इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और ये बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल है, बट टेस्ट इसका ज़बरदस्त है, तो डू ट्राई। फ्यूचर्स फ्यूचर का मोटिव हमेशा वेस्टेज को रिड्यूस करना है, और अगर आप कोई मेन डिश बना रहे हैं तो लेफ़्ट ओवर्स को कैसे एक सैलेड में कन्वर्ट करें वो इस वीडियो में आप अच्छे से सीखेंगे। हाँ शिखा, अब ये हमारी इतनी मेहनत से उगाई हुई जुकीनी बची हुई है। हाँ, मैं यही सोची थी इसका क्या करना। हमने इसको इस बाउल में डालना है और ये भी हमारी बची हुई है, इसको भी काट दो इसमें में। और ये इसी पीलर से? नहीं, इससे काट दो। देखो फ्लावर भी है अभी तक जुकीनी का। और इसके अंदर हम ये कुकुम्बर डाल देंगे। मैंने अपनी तरफ से बाल काफ़ी पतली पतली काटी है। वेरी गुड। कुकम्बर ऐसे ही डलेगा ये? हाँ, ये साबुती डाल दो ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ। आपने छीला नहीं इसको? यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हम अच्छे से वॉश करके बिना बॉईल करे बनाएंगे। ये टमाटर और ये बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। है। ये मिर्ची घर की है और ये चेरी टमाटोज, ये मैंने काट के रखे ऑलरेडी, तो आप ये वाले यूज़ कर लो। और अगर अनियन डालें तो हम ये वॉश करके डाल देते हैं इसमें। होम ग्रोन अनियंस, वाओ। ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कल्पना जी बहुत ज्यादा ग्रेट गार्डनर भी है। और कितनी सारी वेजिटेबल्स ग्रो करते हो आप अपने यहाँ पे? हाँ, जो भी उगती रहती है उगाते रहते हैं। जो भी प्यार से उग जाए, ये टेंशन नहीं लेते, बस टेंशन नहीं लेते। इसमें हम कैरेट्स डालेंगे। बस नाइफ्स बड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा हाथ बचा के करना पड़ता है। हाँ, हम इसके अंदर होम ग्रोन चेरी टमाटो एंड अनियन। कितना हेल्दी होने वाला है ये सारे। और ये सारा भी इसमें, और ये भी होम ग्रोन है। इसके अंदर हम बड़े पीसेस डालेंगे ताकि किसी के मुंह में आए तो पता चल जाए कि बड़ी बड़ा पीस है, फ्लेवर फ्लेवर के लिए। हाँ, ये बचे हुए जो हमारे मैंगोज थे ये भी वी कैन यूज इन द सैलेड। इसके थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट हो जाएगा। हाँ। तो ड्रेसिंग में हम क्या डालेंगे इसमें? ड्रेसिंग में ये सामान है, और मैं ये इसके अंदर ये इसका जूस भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा और जूसी हो जाए। वाओ, क्योंकि हम किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। हाँ, वैसे भी हम गार्डनर्स हैं। अभी वेस्ट से भी सोना बनाना आता है। और हम इन सब का बनाएंगे खाद, खाद बनाएंगे। और ये जो हमारे मैंगोज हैं उनको भी हम कट करके सैलेड में डालेंगे। तो इसमें और भी हम अपने चॉइस की भी डाल सकते हैं। हाँ, जो भी आपको खाना हो। तो ड्रेसिंग इसमें हमने डाली है सॉल्ट, थोड़ा सा योगर्ट। ये नॉर्मल घर वाला योगर्ट है? हाँ, नॉर्मल प्लेन योगर्ट। और काली मिर्च, ऑलिव ऑयल, और ये नींबू का रस। ये सैलरी के पत्ते भी आप काट लो। चलो, तो ये सैलरी भी इसमें डलेगी? हाँ, ये सैलरी के पत्ते इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। ओके, मेरे घर में बहुत सैलरी लगी हुई है। हाँ, तो अब ये सैलेड में पक्का बनाऊँ? जूस में, सैलेड में, पास्ता में, सूप में, हर किसी चीज में यूज कर सकते हैं। देखिए इतनी, इसको वॉश कर लो। हाँ, मोटा भी काट सकते हो। ओके, मोटा ही काटो, मोटा अच्छा लगता है। अंदर से तैयार है हमारी जुकीनी मैंगो कैरेट सैलेड। वाओ, लुक एट द कलर्स। एंड वी कैन आल्सो पुट दैट चेस्टनट्स। द चेस्टनट्स और आमंड्स और एनीथिंग, अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। वॉलनट्स एंड आलमंड्स, जो भी आप यूज करना चाहें। As a topping we can use. You want to taste? Shall I give you one plate? Yes. इतना colorful salad देख के तो वैसे भी भूख लगने लगी है। खाने का time हो गया ना। और वैसे भी home grown चीज़ें।
आप टेस्ट करके देखो। नमक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी टेस्टी, सुपर्ब। भाई बढ़िया सा सैलेड बनाने के बाद हमने करी पेट पूजा, खाना ही इतना स्वाद था। और फिर पहुँचे हम इनके गार्डन में, जहाँ ये छोटा सा नन्ना सा मेहमान प्यारी सी चिड़िया हमारा वेट कर रही थी, जिसे देख के सच मज़ा आई। अरे ये तो उड़ गई, घोंसला खाली कर गई। अगर आपको ये चिड़िया और ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट सेशन में एक हार्ट या फिर एक चिड़िया ज़रूर छोड़िएगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट।